स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर सिक्स का इंट्रो इंट्रोडक्शन वीडियो प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं हम लोग चैप्टर सिक्स का पार्ट वन जिसमें मैं आप लोगों को एवरेज मोड एंड मीडियन बता चुकी हूँ ठीक है अगर उसको नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लो ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए ठीक है तो अब हम लोग को देखना है एक्सरसाइज सिक्स क्वेश्चन नंबर वन फाइंड मीन मीन या फिर एवरेज दोनों एक ही होता है अगर यहां मीन के प्लेस में एवरेज रहेगा तो भी वही फॉर्मूला और मीन रहेगा तो भी वही फॉर्मूला मीन निकालना है इस डाटा का ठीक है तो मीन को हम लोग कैपिटल एम से शो करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द नंबर अपॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ द नंबर सम ऑफ द नंबर जो भी नंबर है उसको सम करेंगे मतलब प्लस करेंगे और ऑब्जर्वेशन क्या हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन नंबर ऑफ डाटा है तो यहाँ सेवन लिख देंगे सम करेंगे इन ऊपर वाले डाटा का गिवन डाटा का तो 504 आएगा और उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा यानी कि इस गिवन डाटा का हमारा मीन क्या आया 72 आया ठीक है सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड द मीन ऑफ द इवन नंबर बिटवीन 50 एंड 70 50 से 70 के बीच जितना भी इवन नंबर है उसका हम लोग को क्या फाइंड करना है मीन फाइंड करना है तो फिफ्टी से सेवेंटी के बीच इवन नंबर क्या आएगा 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68. इसके बाद तो सेवेंटी है और फिफ्टी टू से पहले फिफ्टी है तो इसको तो हम लोग को छोड़ देना है बीच में कितना नंबर आया हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यानी कि फिफ्टी से 70 के बीच नाइन नाइन ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है फिफ्टी से सेवेंटी के बीच हमारा इवन नंबर कितना मिला हम लोग को नाइन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना मिला नाइन तो सम ऑफ नंबर जो डाटा रहता है उसको सम कर दिए हम लोग प्लस कर दिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नाइन मिला सबको सम किए तो फाइव हंड्रेड फोर्टी आया और नाइन से डिवाइड किया तो सिक्सटी यानी कि इस फिफ्टी से सेवेंटी के बीच जितना भी इवन नंबर है नाइन इवन नंबर आया उसका मीन कितना आया सिक्सटी आया सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थ्री है अभी हम लोग को मीन नहीं फाइंड करना है अब मीडियन फाइंड करना है मीडियन में बता चुकी हूँ दो टाइप से निकलता है एक इवन नंबर के लिए निकलता है और एक ऑर्डर नंबर के लिए तो सबसे पहले इसको काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट है यानी कि ये ऑर्डर इवन नंबर है इवन नंबर के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है ये वाला तो हम लोग पहले लिख लिए एन इवन नंबर है एट लिख लिए अब उसको हम लोग लिख लेंगे फॉर्मूला एन प्लस टू टी एच टर्म प्लस एन अपॉन टू वन टी एच आइटम अपॉन टू एन क्या होता है जो हमारा नंबर आया काउंट करने पे वो तो एन के प्लेस में एट रखे एट आया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ भी एट रखे अब टू फोर जा एट होता है तो फोर्थ आइटम टू फोर जा एट फोर प्लस वन फिफ्थ आइटम फोर्थ आइटम कौन सा आया हमारा यहाँ पास तो फोर्थ आइटम के लिए हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में तो कन्वर्ट ही नहीं किए हैं तो सबसे पहला काम होता है इससे भी पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना असेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा फोर फिर फाइव फिर सिक्स सेवन उसके बाद आ जाएगा नाइन उसके बाद टेन फिर फोर्टीन फिर फिफ्टीन असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिए तो फोर्थ आइटम क्या है वन टू थ्री फोर फोर्थ आइटम सेवन है ठीक है फोर्थ आइटम सेवन है और फिफ्थ आइटम क्या है ये फोर्थ आइटम है तो ये फिफ्थ है फिफ्थ आइटम नाइन है तो सेवन प्लस नाइन क्या हो जाएगा सिक्सटीन और अपॉन टू तो एट आएगा इसका टू फोर टू एट जहां सिक्सटीन होगा तो यानी कि जो हमारा मीडियन आया इस डाटा का वो क्या आया एट आया ठीक है कुछ भी नहीं किया है फॉर्मूला लिखे फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हम लोग को कोई भी डाटा रहेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और मोड में भी हम लोग को डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो मीडियन बोला था इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए और हम लोग काउंट किया कि कितना नंबर है तो एट नंबर निकला एट इवन नंबर है इसलिए ये फॉर्मूला अगर ऑड आता तो दूसरा फॉर्मूला है वो दूसरा फॉर्मूला भी बता रही हूं मैं लेकिन यहाँ इवन आया इसलिए ये वाला फॉर्मूला लिखे नंबर कितना आया हमारा एन नंबर एट आया तो जहां जहां भी एन था वहां एट लिख दिए अब यहाँ एट को टू से डिवाइड किया तो फोर्थ आइटम आया और एट को टू से डिवाइड किया तो फोर और यहाँ प्लस वन था इसलिए फिफ्थ आइटम आया फोर्थ आइटम हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सेवन मिला और फिफ्थ आइटम नाइन मिला दोनों को प्लस किया और टू से डिवाइड किया तो हमको क्या मिला एटीन अपॉइंट टू और टू को डिवाइड किया तो एट आया ठीक है यानी कि इस गिवन डाटा का मीडियन क्या निकला एट अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर द वेट ऑफ इलेवन स्टूडेंट इलेवन स्टूडेंट बता दिया है और हम लोग को इसको मीडियम फाइंड करना है तो इलेवन तो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के लिए हम लोग को मीडियम फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा एन प्लस वन अपॉइंट टू टी एच आइटम और इवन के लिए ये वाला फॉर्मूला था तो ऑड के लिए ये फॉर्मूला है लेकिन हम लोग को मीडियम निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो इस जो डाटा है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए ठीक है अब हम लोग क्या किए एन तो इलेवन बता चुका है पहले ही काउंट भी कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ठीक है तो एन रखेंगे इलेवन इलेवन प्लस वन ट्व से डिवाइड किया तो सिक्स आइटम आया काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स आइटम इज थर्टी यानी कि इस जो गिवन जो हमारा डाटा है जो स्कोर है उसका आंसर मीडियन कितना आया हमारा मीडियन कितना आया थर्टी के तो ये वाला फॉर्मूला जब ही यूज होगा जब हमारा एन ऑड नंबर आएगा और ये वाला फार्मूला तभी यूज होगा जब हमारा एन क्या आएगा इवेन आएगा अब क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं इन्हें सेक्शन क्विज कॉम्पिटिशन क्विज कंपटीशन में हमारे इतने बच्चे पार्ट्स लिए हैं जिसमें हम लोग को मीडियम निकालना है तो फिर से काउंट करेंगे एन कितना आता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऑड आया तो ऑड के लिए फिर से यही फार्मूला यूज होगा एन प्लस वन अपॉन टी एच आइटम है ना तो एन का नंबर तो हमारा नाइन आया है नाइन प्लस वन टेन होगा और उसको टू से डिवाइड करेंगे तो फाइव आएगा तो फिफ्थ आइटम क्या आएगा उसके लिए हम लोग को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए है एक डाटा को तो फिफ्थ आइटम क्या आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ आइटम आ रहा है सिक्सटी सेवन यानी कि जो हमारा गिवन डाटा है उसका मीडियन क्या आया सिक्सटी सेवन आया ठीक है सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर सिक्स अभी हम लोग को मोड फाइंड करना है तो मोड में भी हम लोग पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में जो भी डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए हम लोग देखे कि वन कितने टाइम्स आया है सिक्स टाइम्स थ्री फोर टाइम्स और फाइव आया है एट टाइम्स सेवन सिक्स टाइम्स नाइन आया है सिक्स टाइम्स तो सबसे ज्यादा फाइव आया है एट टाइम्स और बाकी सिक्स और फोर टाइम्स आए हैं तो सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सा नंबर आया है फाइव तो लिख देंगे हियर फाइव अक्योर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम एट टाइम्स फाइव सबसे ज्यादा बार आया है कितने टाइम्स आया है एट टाइम्स इसलिए हमारा मोड जो होगा वो क्या होगा फाइव होगा ठीक है सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेवन है यहाँ भी मोड फाइंड करना है सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है नंबर आ रहा है मैक्सिमम नंबर कौन सा आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स तो थ्री आ रहा है सबसे ज्यादा टाइम्स टू टू टाइम्स आया है थ्री फाइव टाइम्स फोर टू टाइम्स एंड फाइव थ्री टाइम्स तो सबसे ज्यादा तो कौन सा आया थ्री आया तो लिख देंगे हियर थ्री अक्योर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स फाइव टाइम्स आया है सो मोड इज थ्री ठीक है वैसे ही क्वेश्चन नंबर एट भी है फाइंड द मीन मीन बोल रहा है या फिर एवरेज उसके लिए फॉर्मूला हम लोग को पता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑर्ड नंबर ऑर्ड नंबर क्या हो जाएगा वन थ्री फाइव सेवन ऑर्ड नंबर जिसका पेयर नहीं बनता है वन थ्री फाइव सेवन है ना तो लिख लिया कितना फाइव ऑर्ड नंबर बोला था वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ऑर्ड नंबर है इनका सम करेंगे और फाइव से डिवाइड तो सम ऑफ ऑल नंबर वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन के तो ट्वेंटी फाइव आया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है फाइव है फाइव है ना टोटल नंबर उससे डिवाइड किया तो फाइव यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर नंबर है उसका मीन कितना आएगा फाइव आएगा या फिर एवरेज भी बोल सकते हैं ठीक है सेम वैसे ही हमारा नाइन नंबर है ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन का फिर ये कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू देखो द मीन ऑफ द नंबर एट फाइव एक्स सिक्स टेन टेन फाइव इज सेवन मीन बता दिया है ये जो डाटा है इसका मीन कितना है सेवन है ठीक है मीन हम लोग को पहले ही बता दिया इस डाटा का जो मीन है वो क्या है सेवन है फॉर्मूला हम लोग को पता है सम ऑफ ऑल नंबर अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग को इसमें क्या दिख रहा है अननोन नंबर फाइंड करना है मतलब एट फाइव सिक्स एट सॉरी एट फाइव सिक्स टेन और फाइव इन लोगों का जो हम लोग मीन निकालेंगे वो सेवन आएगा लेकिन ये ये नंबर हमारा छूट गया है ठीक है मिसिंग नंबर है इसको हम लोग को क्या करना करना है फाइंड तो हम लोग को पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिक्स आ रहा है हम लोग को ये एक्स को निकालना है तो सबसे पहले नंबर को सॉल्व करेंगे तो एट प्लस फाइव प्लस सिक्स टेन प्लस फाइव क्या होगा थर्टी फोर और एक्स तो अनलाइक नंबर है लाइक like नंबर तो ये था नंबर एक्स तो और नंबर है ही नहीं तो एक्स को एक्स की प्लेस में रहने देंगे और एट प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस टेन प्लस फाइव करेंगे तो हमारा थर्टी फोर आएगा और ये सिक्स डिवाइड में है तो इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चले गया तो सेवन सिक्स या फोर्टी टू हुआ और ये थर्टी फोर को अगर हम लोग इक्वल किधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा प्लस है तो और एक्स का एक्स बचा तो फोर्टी टू में से थर्टी फोर माइनस करेंगे तो एट आएगा यानी कि जो मिसिंग नंबर है वो क्या है यहाँ एट होना चाहिए था ठीक है यानी कि जब हम लोग एट फाइव और एक्स को प्लेस में जब एट रखेंगे और उन लोगों का सम एवरेज निकालेंगे तो हमारा मीन क्या आएगा सेवन आएगा ठीक है तो आप लोग चेक भी कर सकते हो जैसे एट प्लस फाइव प्लस एक्स का हम लोग आंसर क्या लाए एट लाए तो एट रख देते हैं एक्स के प्लेस में फिर प्लस सिक्स प्लस टेन प्लस फाइव और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिक्स है तो थर्टी फोर प्लस एट हो जाएगा फोर्टी फोर हाँ तो फोर्टी फोर अपॉन सिक्स आ रहा है ठीक है सॉरी फोर्टी टू आ रहा है देखो जब हम लोग यहाँ एट रखे तो इन सब नंबर का सम फोर्टी टू आया और उसको सिक्स से डिवाइड करे तो सेवन आ रहा है यानी कि हमारा जो मीन आ रहा है वो सेवन यानी कि हम लोग जो एक्स के प्लेस में एट लाए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है ये चेक कर भी सकते हैं आप लोग यहाँ जो भी आंसर लाओगे उसको एक्स के प्लेस में रख के सॉल्व करके मीन सेवन आ रहा है या अगर मीन एट दिया रहता तो एट आ रहा है मीन अगर नाइन्टी दिया होता तो नाइन्टी आ रहा है कि नहीं आप चेक भी कर सकते हैं तो हमारा एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन कम्पलीट हो गया अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू